हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ व्लॉगिंग एक्सेसरीज फॉर योर आईफोन। सो बेसिकली आपने अभी जो वीडियोस देखी थी वो सब आईफोन 11 से ही शूट करी है। मैंने आईफोन 12 भी परचेज किया था, मतलब मेरे भाई ने परचेज किया था। मैंने कुछ दिन यूज किया कि मैं अपग्रेड करूँ या ना करूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं लगा तो मैंने इसी पे रखा। मैंने सोचा चलो 13 के सस्ते होने का या 14 का वेट करते हैं। तो आज मैं ऐसी एक्सेसरीज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आईफोन से अच्छे से व्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप स्टार्ट कर हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें खरीदें, आपने अभी अभी आईफोन खरीदा है, बहुत महंगा खर्चा किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसी से ट्राई करें, इसी से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप एक प्रॉपर सेटअप चाहते हैं जिससे वैल्यू फॉर मनी चीज निकल सके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि बजट की चीजें कौन सी है, उन्हीं में मैं आपको बेस्ट चीजें बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होगी, मेरे को किसी भी प्रोडक्ट ने स्पॉन्सर नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट या एक वैल्यू जो आपको प्रोवाइड करे वो कंटेंट ले सकूं एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए। तो सबसे पहली चीज है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज एक मोबाइल क्लैंप। इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसे चेक कर लीजिएगा। वैसे मोबाइल क्लैंप होता क्या है? मोबाइल क्लैंप होता है ये जिसमें आप अपना मोबाइल माउंट कर सकते हैं। अब ये इसलिए बढ़िया होता है कि इसी की वजह से आप इसके साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जोड़ सकते हैं, आप इसे ट्राइपॉड पर माउंट कर सकते हैं या जिस भी चीज पर माउंट करना चाहे, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपके पास एक मोबाइल क्लैंप जरूर होना चाहिए और इसमें क्लैंप करने के लिए आपको कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत तो नहीं होती, आपको सिर्फ इसके अंदर इसे क्लैंप करना है। आसानी से क्लैंप हो जाएगा इसके अंदर और आपको आसानी होगी बहुत यूज करने में, होल्ड करने में। और जो मैं ये वाली आपको बता रहा हूँ एक्सेसरी, ये वाली क्यों ही रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने वीडियो में वैसे ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर आपको हॉट शू मिलता है जिसके अंदर आप और एक्सेसरी जोड़ सकते हो, तो ये चीज में बढ़िया है। इसमें बबल लेवल वगैरह और सारे फीचर्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वो एक बार वीडियो जरूर चेक कर लें। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स मिलाऊंगा इस वीडियो में उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो पक्का उन्हीं लिंक से खरीदें ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए, मेरा चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बता दिया एक हिंट कि इसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है एक ट्राइपॉड में। अब ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना क्यों है? ताकि आप एक तो इसे कहीं भी रख के शूट कर सको और अच्छे से शॉट ले सको। अब उसके दो तरह के ट्राइपॉड्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक तो जिस पर ये वीडियो शूट हो रही है जो मैं रिकमेंड करता हूं, वो है ये वाला। अब इसका फायदा ये है क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है और ये है मैनफ्रोटो की तरफ से और ये बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर आप कैमरा भी माउंट कर सकते हैं या अपना फोन भी माउंट कर सकते हैं और फोन के ऊपर अगर आप कोई भी एक्सेसरी जोड़ोगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये बहुत ही स्टेबल ट्राइपॉड है, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। बाकी इस तरह के और चीप भी हैं जैसे कि ये वाला, ये आपको 300-400 की पड़ जाएंगे छोटे ट्राइपॉड। का फायदा ये है आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, आप एक बड़ा ट्राइपॉड लोगे तो आप थोड़ा स्टेबली रख सकते हो और काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, तो वो आपके ऊपर प्रेफरेंस करता है। छोटा ट्राइपॉड भी आपका काम चला देगा। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले कंफर्टेबल करने के लिए कि आपका फोन होल्ड कैसे करना है। इसके बाद वीडियो के साथ साथ जो दूसरी चीज सबसे बढ़िया आती है, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। अब वीडियो क्वालिटी का जैसे मैंने आपको एक्सेसरीज तो बता दी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसे मैंने सारी सेटिंग्स और टिप्स आपको बताई हैं कि कैसे आप बेस्ट वीडियो आउटपुट ले सकते हैं अपने आईफोन से, तो वो भी एक बार जरूर चेक कर लेना। लेकिन कैसे शूट करनी है उसके लिए मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा, अगर आपने वो देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं वैल्यूएबल कंटेंट ही लेके आने वाला हूं। क्वालिटी की बात हो गई, होल्ड करने की बात हुई, अब आती है ऑडियो की बात। और ऑडियो के लिए आपको ले चाहिए माइक्रोफोन, जो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, तो इन्वेस्ट कीजिए रोड वायरलेस को, एक वायरलेस माइक सिस्टम में, तो आपको काफी दिन तक चल जाए, जो कि मैं अभी भी यूज कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे आप एक लैव माइक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैव माइक भी मैंने, या बहुत तरह के माइक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉटगन माइक वगैरह है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ही बढ़िया चीजें आएंगी। और इसके साथ साथ आपको एक लाइटनिंग 2-3.5 mm एडाप्टर लेना पड़ेगा जिससे आप इसे अपने फोन में कनेक्ट कर सको। अब बात आती है, और जो नहीं आप महंगे माइक्रोफोन में यूज कर रहे हैं, अगर आप व्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हैं, आप पास ही रखेंगे तो आप शॉर्टकट माइक में भी कर सकते हैं। तीनों ही चीजों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीद लीजिएगा, सबका आउटपुट अच्छा आता है। और रेगुलर माइक से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, एक माइक्रोफोन का हमेशा ही आउटपुट अच्छा आता है, इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है, आपको व्लॉग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और इसी वजह से मैंने लिया था क्योंकि व्लॉग करता था, कैमरा कहीं भी रख के आगे जा सकता था, तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी, और तो ये इसका एक
मेजर एडवांटेज है, क्योंकि वायरलेस है तो ना कोई केबल की टेंशन है और ना ही डिस्टेंस की टेंशन है। तो वीडियो ऑडियो की बात हो गई, तो ये है, ये तीन जो एक्सेसरी है ये तो मेन है ही। और हाँ, अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और लग रहा है मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसे खरीद लीजिएगा ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो जाए, मतलब मेरा ये चैनल प्रमोट हो जाए और आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए। अब इसके बाद जो अपना लेवल अगर आप अप करना चाहते हैं, अपनी वीडियो का लेवल अप करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना है लाइट्स के अंदर। मैं जो रिकमेंड करता हूँ व्लॉगिंग के लिए, दैट इज ये जॉबी मिनी। ये बहुत ही बढ़िया लाइट है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट रिव्यू बना दिया है, इसका भी एक सेपरेट रिव्यू मैंने डाल रखा है, तो आप उसे एक बार चेक कर ले। इसके अलावा बजट की एक सारी लाइट भी आती है, उसके लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये है वो बजट की लाइट्स। और अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो आप और भी लाइट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे रिंग लाइट है, सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट है, ये सब चीजें हैं, तो लाइट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है ये, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका जो मैंने एक सेपरेट रिव्यू डाला है आप उसे एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये क्यों बढ़िया है और क्या चीज इसके अंदर अच्छी है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके बाद अब लाइट्स भी हो गई, सब कुछ इंप्रूव हो गया। इसके बाद अगर आपको सिनेमेटोग्राफी इंप्रूव करनी है तो आपको इन्वेस्ट करना है एक गिम्बल में। अब ये गिम्बल बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपको करना है। ये जो है ये एक 2-in-1 3-in-1 गिम्बल है, जिसमें आप कैमरा के साथ साथ फोन भी यूज कर सकते हो, लेकिन फोन के अलग से भी गिम्बल आते हैं। अगर आप फोन पे ही यूज करना चाहते हो तो उन गिम्बल में यूज कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है DJI की सबसे बढ़िया है, DJI OM 3, 4 और 5, जो आपका बजट उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, और इससे एक लेवल अप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी करके दिखाऊं कि अच्छे शॉट कैसे ले सकते हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है टॉप 5 व्लॉगिंग एक्सेसरीज अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं। ये 5 एक्सेसरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले की 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो उनमें भी इन्वेस्ट ना करें, सिंपल जुगाड़ करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले की चीजें बहुत सस्ती है, लाइक अगर क्लैंप लेना चाहे तो आपको सस्ता भी मार्केट से मिल जाएगा, ट्राइपॉड भी सस्ता आपको मार्केट से मिल जाएगा, और रास्ते माइक्रोफोन वो भी सस्ता आपको मिल जाएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लिटरली वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अगर वीडियो क्वालिटी बहुत इंप्रूव करना चाहेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फोन से बनी है या कैमरे से, तो उसके लिए आप इन एक्सेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी का लिंक और सभी प्रोडक्ट्स का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर है, आप उसे एक बार चेक कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने उन्हें क्यों रिकमेंड किया। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जरूर जाना और शेयर कर देना दोस्तों को। अगर कोई सोच रहा है यूट्यूब चैनल को शुरू करने के लिए या कुछ ऐसी एक्सेसरीज को सर्च कर रहा है जिससे उसकी आईफोन की वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो सके, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। और हो, आपको भी वीडियो में मजा आया होगा, अगर आपको वीडियो में मजा आया होगा तो लाइक कर देना। और एप्पल रिलेटेड बहुत वीडियोज है, मैंने सिखाया है कि बेस्ट सेटिंग्स क्या है वीडियो और फोटोज की, तो वो वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है, आप उन्हें भी एक बार चेक कर ले। और ये टॉप 5 एक्सेसरीज है, इसमें मैंने आपको महंगे वाली बता दी, अगर आपके पास अच्छा कैसा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन अगर आज कम पैसा है तो उन प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। और मैं कहूंगा कि आप वहीं से खरीदे ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिले और चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।